फरीद जी आपने साथियां समेत सतलुज दे इलाके पंजाब दे दखनी पाग विच्चों दी लंग रहे सन कि रस्ते विच एक किले हुण दे फरीद कोट दी उसारी हो रही सी ते उतो दा हाकम हर एक लंगदे राही नू जबरदस्ती टोकरी चुकन लई जिस नाल मिट्टी किले दी कंध विच पै रही सी ला लैंदा। जदों बाबा फरीद जी उतो दी लंघ रहे सन तां उन्हां नू वी साथी फकीरां समेत टोकरियां फड़ा के मिट्टी चुकन लई ला दित्ता। फरीद जी वी होरना वांग ही मिट्टी दियां टोकरियां चुक चुक के लई आ रहे सन। जदों कोई टोकरी चुकी आ रहा आदमी थकेवे कारण जरा भी सहजे तुरदा तां जिस दी निगरानी विच किला बन रहा सी ओ हाकम उस नू बैंत दी सोटी मार के छेती तुरन लई कहिंदा। बेदोशे आदमियां दिया रूहां रो रो के रब दे दर ते फरियादां कर दियां। इना सारे टोकरी टोन वालियां विच एक रब दा प्यारा होर भी टोकरी नाल मिट्टी टो रहा सी। जदों ओ टोकरी वाली मिट्टी सुट के वापिस आ रहा सी तां उसने की वेख्या कि बाबा फरीद जी दी मिट्टी वाली टोकरी उना दे सिर तो काफी उच्ची कुदरती ताकत नाल उपर उपर आप ही उड़दी आ रही सी कि उधर अचानक रोला पै गया कि बन रहा है किले दी कंध पाट ते सारी मिट्टी एक पासे खिलर गई है। किला तैयार करवाउन वाला राजा उसे वक्त मौका वेखण आ गया ता उस रब दे प्यारे ने जिस ने बाबा फरीद जी दी रब्बी करामत देखी सी जाके राजे नू कहा, महाराज जी ए तुहाडा किला कदी भी पूरा नहीं बन सकेगा। तू कौन है एनी गल आखण वाला कि किला नहीं बन सकेगा? महाराज जी मैं भी एक खुदा दा बंदा हाँ, ए मैं मंदा हाँ कि तुसी एथों दे राजे हो ता जो चाहो ओ करवा सकदे हो, पर जिस तरह ए तुहाडा काम हो रहा है इस तरीके नाल ए तुहाडा किला पूरा नहीं हो सकेगा। मामूली आदमी दे दुबारा ए लफ सुन के राजे नू बड़ा गुस्सा चढ़िया ते रोब नाल पुछन लगा, क्यों की गल है, किला क्यों पूरा नहीं बन सकेगा? महाराज तुहाडे किले नू बनवाउन वाले अफसर आदमी दी परख नहीं करदे, ओ रब दे करामती ते पहुंचे हुए फकीरां दा भी सत्कार नहीं करदे। पहुंचे हुए फकीर तो तेरा की मतलब है? राजे ने गुस्से नाल कहा। एने चिर नू फरीद जी मिट्टी दी टोकरी चुक के उस थां लागे आ गए जिथे राजे ते आदमी विचकार आपस विच गलबात हो रही सी। उस आदमी ने फरीद जी वल इशारा कर दे कहा, महाराज इस रब्बी फकीर वल वेखो कि मिट्टी वाली टोकरी करामात नाल सिर तो किन्नी उच्ची आपे ही उड़दी आ रही है। ऐ वेख के राजे दे हनेरे मन अंदर ज्ञान होया, रब्बी नूर अंदर विखाई दित्ता ते लोका दे कीते जुल्मा दा एहसास होन लगा। सोचा विच डुब्बे राजे नू फिर उस आदमी ने कहा, महाराज इना रब्बी फकीरां दे दिल दुखी हो के जदों अपने मालिक दे दरबार विच पुकार करदे होंगे ते की उत्ते सब कुछ वेख रिया खुदा अपने भगता दी फरियाद ना सुनेगा, ऐदां होवेगा। मैं तद ही कह रहा हाँ कि महाराज तुसी इत्थों दी प्रजा दे मालिक हो ते मैनू बेशक मरवा भी सकदे हो, पर मैं सच बोलनों कदे नहीं डरांगा। जेकर तुसी इस तरह ही काम करवाउना है तां ऐ किला कदे नहीं बन सकेगा। हंकारी राजे नू उस आदमी दियां गल्लां ने ज्ञान करा दित्ता। चट ही गरूर दिल विच्चों किसे पासे चले गया। एने चिर नू बाबा फरीद जी भी मिट्टी सुट के आ रहे सन ते खाली टोकरी अग्गे वांग ही सिर तो काफी उच्ची आ रही सी। जदों फरीद जी राजे दे कोल आए तां राजा फरीद जी दिया चरणा ते डिग पिया ते कहन लगा, साईं जी मैनू माफ कर दियो, मेरे आदमियां कोलों बहुत गलती होई जो तुहाडे दरवेश नू टोकरी टोन लई ला दित्ता।
फरीद जी ने राजे नू अपने पैरां तो उठा के कहा, हे खुदा दे बना के भेजे होए बादशाह, की तू दिल विच ऐ समझी बैठा है कि तू सदा वास्ते इत्थे बादशाह ही बनिया रहेगा ते प्रजा उपर अपनी मनमानी दा हुक्म चलांदा रहेगा। ए मन आया जुलम करदा रहेगा कि जेड़े रब दे बंदे किसे काम जा रहे सन ते तेरिया बंदिया ने उना नू जबरदस्ती फड़ के काम उपर लाया है कि तू कदे ऐ सोचिया कि जान वाला जिस नू मेरिया आदमिया ने फड़िया है खोरे ओ किस काम जा रहे है, ओ सुखी है जा दुखी, पावे ओ किसे दे मौत दा सुनेहा देन ले ही जा रहा होवे कि उस आदमी दे रोंदे दिल दी कूक जदों अल्लाह प्रभु दे दरबार जावेगी ता खुदा तेरी अखत एक तख्ते वांग ना उल्टा देंगे ते जा जदों तू खुदा दी कचहरी विच जावेंगा ता एना कीते जुल्मा दी सजा भुगत के किड्डा दुखी होवेंगा, जे राज करन दी बजाए कुंभी नरक विच पिया सजावां भुगतेंगा। की तू समझदा है कि ऐ जेड़े तेरे इत्थे अनेका वजीरा ते अवसर हर हुकम दी तामीर करदे हन ओ उस वक्त तेरी रखवाली करनगे? नहीं, सगों ऐ वी सजावां भुगतनगे, कोई वध ते कोई कट। समझ लवो कि कीते पाप दा जरूर ही भुगतान देना पवेगा। तुसी ऐ आप ही सोचो कि सारे आदमी मेरे वर्गे फकीर ही नहीं हन, कईयां दियां कर वालियां उडीक रहियां होनगियां कि कदों मेरे सिर दा साई मजदूरी करके पैसे लेके आवेगा ते मैं दाल आटा लिया के अपने भुखे बच्चियां दा पेट भरांगी ते उना नू रोटी खवावांगी ते जदों ओ आदमी खाली हत्थी रोंदा कुरलांदा कर चला जावेगा ते सारी अपनी कहानी दसेगा ता उस भुख नाल तड़फ रहे टब्बर ना तेनू पवेगी। हे बादशाह, ए जेड़ा तू किला तैयार करवा रहा है इस दा लोका नू की फायदा? ऐ ते तू अपनी रखवाली खातर बनवा रहा है कि कोई बारों होर बादशाह आके मेरा राज पागना साम लवे, पर जनता नू इस नाल की उना नू ते एक ईमानदारी बादशाह चाहिदा है। तुसी हुन अपने प्रजा उपर जुलम कर रहे हो कि जदों तुहाडे उपर किसे बाहर दे हमलावर ने हमला कीता ता ऐ लोग तुहाडी कोई मदद करनगे? नहीं, ऐ सगों नवे हमलावर दी मदद करनगे कि शायद ऐ इना जुलम करन वाला ना होवे। फरीद जी दियां गल्लां सुन के बादशाह दे कन खुल गए, दिल अंदर ज्ञान हो गया, अखां नू हर खुदा दे बंदे विच खुदा दा रूप दिसन लग पिया ते ओ निमरता परे बोलां विच फरीद जी नू अपना आखण लगा, साईं जी, तुसी मैनू सुत्ते नू जगा दित्ता, मेरी मत ते मोह माया लालच दे तन दौलत दे हंकार दा पर्दा पिया होया सी जो तुसी अज मेर करके ओ पर्दा ला दित्ता है। साईं जी, तुसी मैनू दसो मैं हुन की करां? जेकर मैं ए किला नहीं बनावांगा ते गवांडी राजे मैनू कमजोर समझ के मेरे ते हमला कर देंगे ते उस नाल प्रजा दा वी ते बड़ा नुकसान हो जावेगा। हे खुदा दे बंदे, तेनू किस दे ने कहा है कि ए किला तू तैयार करवा? तुहानू किला बनाउन वास्ते जिन्ने भी कारीगर ते मजदूर चाहिदे हन ओ जबरदस्ती फड़ के नहीं लाउने चाहिदे, उना दी मर्जी नाल लाउने चाहिदे हन ते पहला ऐ कह देना चाहिदा है कि सारा दिन कम करन दे इन्ने पैसे मिलनगे ते शाम नू छुट्टी करन वेले सब दे तिहाड़ी दे जिन्ने भी पैसे होन उना नू ओ दे दे, इस तरह तुहाडी सारी प्रजा खुश रहेगी ते तेरा जस गावेगी, तेरी इस दुनिया तो विदा होन पिछों तेरा हर वेले जाप करेगी ते खुदा अगे एहो ही अरदास करेगी कि ए खुदा सानू साडा एहो धर्मी राजा मुड़ के वापस भेज दे कि हुन तुसी समझ दे जे कि लोग तुहानू चंगा कहंदे हन, नहीं ए सिर्फ तुहाडे डर करके ही चुप कीते हन कि जेकर कोई राजे दे खिलाफ गल कीती तां राजा मरवा देवेगा, पर तेरे पिछों तेनू गालां कढ़दे हन बददुआ देंदे हन, ए लोग तेरे नाल तद ही प्यार करनगे ज
जेकर तुसी ओना नू रब दे बंदे समझ के प्यार करोगे। फरीद दे ए बोल सुन के राजे ने सब काम करन वालियां नू कहा, सब आपो अपने काम छड़ के मेरे लागे इकट्ठ हो जावो। जदो सारे आदमी राजे दे आले दुआले आके खड़े हो गए ता राजे ने कहा, जेड़ा भी आदमी अपने घर नू जाना चाहुंदा है ओ खुशी नाल चला जावे, ते जिसने भी अपने मर्जी नाल एथे मजदूरी करनी है ओ करे, उसनू उसदी मजदूरी दा एक टका शाम नू दिता जावेगा। कोई इस डर करके ना रहे कि जेकर मैं घर नू तुरन लगा ता राजा कोई सख्ती करेगा। जिसने भी एथे मजदूरी करनी होवे ओ अपनी मर्जी नाल करो, कोई उस उत्ते किसे दा रोब नहीं है। राजे दियां ए गल्ला सुन के सारे लोकां बड़ियां खुशियां मनाईयां, ते बादशाह जिंदाबाद दे नारे लाए। जिसने अपने घर नू जाना सी ओ घर नू तुर पिया, ते जिसने अपनी मर्जी नाल मजदूरी करनी सी ओ कम करन लगा। करजा राजे नू रब दा रूप जानन लग पए, ते रात दिन उस दे गुण गाउन लग पए। बाबा फरीद जी ने उस हंकारी राजे नू रब्बी करामात विखा के एक तरमी इंसान बना दिता। उस दे मन तो अज्ञानता दा हनेरा मिटा के ज्ञान दा चानन कीता, ते उस नू हर बंदे विच खुदा दा रूप दिखाई देन लग पिया।